नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी में एक कोचिंग संस्थान है जो आईएएस आईपीएस की पढ़ाई करवाता है, यानी कि यूपीएससी की पढ़ाई करवाता है। काफ़ी कुछ दिनों से चर्चाओं में है, करीब एक हफ्ते से स्टडी वर्ल्ड नाम की ये कोचिंग चर्चाओं में है। चर्चाओं का कारण ये है कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि जब हमने सवाल किए कि कोर्स कब तक पूरा होगा, तो फिर इनको वहाँ से भगा दिया गया है, हटा दिया गया है। एक एक करके इनसे बात जानेंगे, क्योंकि आज एक बार फिर ये लोग एसएसपी ऑफिस पहुँचे हैं, एसएसपी के द्वार पर पहुँची हैं और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रही हैं। आप क्या समस्या आ रही है, हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब हम लोगों ने आरोप वगैरह सब लगाए, तो उसके बाद में डीएम के पास में गए, डीएम ने सीओ सर के पास भेजा, एसएचओ सर के पास में भेजा। तो अभी सीओ सर और एसएचओ सर की तरफ से कार्रवाई चल रही है, अभी पूरी हुई नहीं है, चल रही है। उसके बाद में भी ये स्टडी वर्ल्ड वाले कैसे अपने आप को कह सकते हैं मीडिया पर कि हमें क्लीन चिट मिल चुकी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई अभी चल रही है। और ये जो मीडिया डाल रहे हैं कि हम लोगों को 10 लाख रुपए दे दिए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहली बात तो हम लोगों ने ना ही 10 लाख रुपए की मांग की है। और ये जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ऑडियो वगैरह भेज रहे हैं, तो एक बात बताइए, हमारे पास इतना दिमाग है, जब हमें पता है कोई इंसान उन्हीं के थ्रू मिला हुआ है, तो हम उनसे सच क्यों बताएंगे? हम अपने उन्हें प्लान बताएंगे ही क्यों? इसीलिए हम लोगों ने ऐसा बोला था। ये पूरा मामला क्या है, हुआ क्या था शुरुआत में? जी, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने स्टार्टिंग में क्लास में मैम ने, हम लोग की क्लासेस चल रही थी, तो मैम ने हम लोग के सामने ऑप्शन रखा कि आपको सिर्फ यूपीएससी की क्लासेस करनी या फिर एसएससी प्लस यूपीएससी। तो मतलब उसमें ये होगा कि आप 2 घंटे एसएससी का पढ़िए, 1 घंटे यूपीएससी का पढ़िए। तो हमने सिर्फ यही बोला था कि मैम यूपीएससी का सिलेबस ही इतना लेंदी है, आप अगर एसएससी प्लस यूपीएससी पढ़ाएंगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला जाएगा, तो सिलेबस कब तक होगा? तो मैम इसी बात से हमसे चिढ़ गई। फिर वो उस दिन से बात ही नहीं करी। फिर उसके अगले दिन उन्होंने अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई दूसरे सर को भेज दिया। जब उन सर से भी हमने कुछ डाउट्स पूछे तो वो डाउट क्लियर नहीं कर पाए। तो इसमें हमें नहीं पता था कि वो डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वो हमने जब मैम से बोला कि मैम वो सर जो हैं वो डाउट क्लियर नहीं कर पाए, मैम आप ही पढ़ाइए वो सब्जेक्ट, तो मैम ने कहा कि अभी तुमने यूपीएससी का एग्ज़ाम दे लिया क्या, तुम्हें पता है क्या कैसे पढ़ाना कैसे नहीं पढ़ाना, तुम सिखाओगी क्या? तो उन्होंने ये सब कह के डांट के भगा दिया। उस दिन था सैटरडे, और फिर जब मंडे को हम लोग गए कोचिंग, तो वहाँ से हमें ये और एक लड़की और थी, हम लोगों को निकाल दिया कोचिंग से ये कह के कि हमने नहीं पढ़ाना। जब उन्होंने पूछा कि मैम क्यों, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। जब उन्होंने कहा हम लोग की फ़ीस रिफंड करी है, तो उन्होंने बस उसी महीने की इंस्टॉलमेंट वापस की, और वो जो जिसमें हम पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं कि 5000 हम वापस ले रहे हैं, वो सिर्फ एक ही महीने की इंस्टॉलमेंट है। अभी भी उनके पास 35000 हमारे हैं, और वो यही मतलब पूरे में बता रहे कि पैसे दे दिए, ये लोग बिक चुके हैं, इनका इंस्टीट्यूशन नाम ख़राब करना चाह रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिल गए हैं, ऐसा कुछ। अब जब हमने अपने पेरेंट्स को बुलाया, मम्मी को लेके गए, तो उन्होंने मम्मी से भी बदतमीजी की। मम्मी ने बस बोला कि आप बताइए तो हमारी लड़की की गलती क्या है। तो उन्होंने कहा हमें नहीं बताना, हम आपको नहीं देंगे, आपके बाप का राज नहीं है यहाँ पे, और उठ के जाने लगी। तो फिर जब मम्मी ने उनको रोकना चाहा, जब कोई भी जाता है तो हाथ पकड़ के तो रोकते ही है ना, तो उन्होंने हाथ पकड़ के रोकना चाहा, तो फिर वो एलिगेशंस लगाने लगी कि यहाँ पे हंगामा करने आए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो फिर पुलिस के दम देने लगी, तो हम लोग थोड़ा डर गए, हम लोग शांत रहे वहाँ पे। फिर जब रवि सर आए तो उनसे भी बोला, तो वो कह रहे कि अब मैं अपनी मैडम के डिसीजंस में इंटरप्ट नहीं करता हूँ, उनका जो डिसीज़न है वो रहेगा, हम कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं, बस बात ही कर सकते हैं, बस ऐसा कुछ करके उन्होंने निकाल दिया हम लोग। बहुत बुरा लगा था हम लोग। फिर जब हम लोगों के फ्रेंड्स की आपस में बात हुई, तो फिर समझ में आया कि सभी के साथ वो ऐसा कर रहे हैं। अभी वाली लड़की, ये तो कुछ महीने पहले इसने छोड़ दिया है, लेकिन सर इसकी पूरी फ़ीस वहाँ पे है, लेकिन इसका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग का भी, हमें भी 8 महीने हो गए वहाँ पे कोर्स कंप्लीट, कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे सही से। अब जब कह रहे, तो फिर अब हम लोग पे ये लगा रहे कि हम लोग वहाँ पे जाके बहुत मतलब बच्चों को भड़का रहे हैं इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, और ये एलिगेशन लगा रहे कि हम लोग वहाँ पे जाके गलत काम करते हैं, बहुत मतलब बॉयज़ वगैरह। एक और मामला आया था, एक और हम कोई वीडियो देख रहे थे, उसमें ये भी आरोप थे कि कुछ अफेयर्स से संबंधित मामले भी आ रहे थे, कुछ ऐसी चर्चाएं भी थी कि ऐसे आरोप आ रहे थे कि अफेयर चल रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है कोचिंग का। हाँ, तो वो ये इल्ज़ाम लगा के, लड़कियों पे यही वाला इल्ज़ाम लगा के शांत कर देती। अब उन्हें ये नहीं पता था कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम लोगों ने सर इसके खिलाफ एक्शन लिया, कि इन्होंने कैसे हम लोग की इज्जत उछाली कहीं पर भी। तो इस वजह से अब फिर वो उन्होंने, उसके बाद हम लोगों को अगले दिन, जिस दिन योगी जी आए थे उस दिन हम लोग सीएम के पास जा रहे थे डायरेक्ट, लेकिन सर बीच में हम लोगों को फिर एक सर मिल गए, तो उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, तो हम लोगों ने वहाँ दे दी थी। इतने में सर हम लोगों के पास कॉल आया कि आप स्टडी वर्ल्ड आइए, मम्मी बैठी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके सर हम लोगों ने जब वहाँ पर गए, तो उन्होंने क्या किया कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे अपने हिसाब से, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो सर उन्होंने फ़ोन छुड़ा लिया,
फ़ोन छुड़ा लिया, और फिर उसके बाद अपने पियोन से वो गेट बंद करवा लिया उन्होंने, हम लोग को वहाँ पे बंद कर लिया, हम लोग जैसे गेट बंद कर लिया, हाँ हम लोगों को वहाँ पे पता नहीं वो क्या करना चाह रहे थे गेट बंद करके हम लोगों के साथ। तो फिर हम लोगों ने फिर वहाँ पे जैसे जैसे गेट में धक्का वक्का मारते हुए हम लोग वहाँ से निकले सर, लग वग भी गई थी बहुत पैर वैर में। तो सर फिर कितने लोगों को बंद कर दिया था सर? ये जो हम आपके सामने खड़े हैं ना, हम लोग ही थे, छह लोग थे। कौन कौन के? छह लोग में हम थे, दीक्षा थी, मानवी और मयंक था। मयंक को तो मारने भी गए ये लोग पीछे पीछे, हमारी मम्मी थी और ये उत्कर्ष, ये सब थे। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो मैम है ये मम्मी को उठाकर ले आई, ठीक है, इनकी कोचिंग में 10-10 कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी इन्होंने फ़ोन से क्यों रिकॉर्डिंग बनाई? उसके बाद में इन्होंने रिकॉर्डिंग आधी क्यों डाली? पूरी रिकॉर्डिंग डालते आप अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग में डालते, क्योंकि वो तो डाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो फ़ोन छीनते हुए आ जाते। और ये जो हर जगह वीडियो को, पर्सनल वीडियो को फैलाई जा रही है, आधा सच क्यों दिखा रहे हैं? पूरा दिखाएँ, पूरी वीडियो डालें। आपका कहना यह है जो भी वीडियो जारी हो रही हैं, जो भी वीडियो पोस्ट की जा रही हैं, वो आधा सच है, पूरा नहीं है। आपने किस चीज़ की कोचिंग शुरुआत की थी, क्या समस्या आई थी आपको? हमने UPSC की कोचिंग स्टार्ट की थी, लेकिन इन्होंने 6 महीने पहले हम लोगों को SSC के बैच में बिठा रहा। फिर हम लोगों ने बोला सर जी सिलेबस कब पूरा होगा, तो इन्होंने 1 घंटे की क्लास स्टार्ट की। फिर भी जो रवि सर और जो मैम पढ़ाती हैं, रवि सर महीने में 1-2 बार क्लास में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मैम हफ्ते में 1-2 दिन ही क्लास में आती हैं। फिर हमने खुद ही से कोचिंग छोड़ी। कोचिंग में समस्या क्या क्या है? एडमिशन लिया, फिर समस्या क्या क्या आई? जो हम लोग जो डेमो लेने जाते हैं, जब मैम डेमो लेने देती हैं मतलब, फिर जब डेमो की क्लास हो जाती है हम लोग पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद मैम पढ़ाने नहीं आती, दूसरों टीचर से पढ़वाते हैं हम लोगों को। हाँ फिर हम लोगों ने कोचिंग छोड़ दी। तो मतलब कोचिंग छोड़ने के बाद उन बच्चों का आप नाम क्यों ले रहे जिन्होंने कोचिंग छोड़ दी, पहली बात तो ये है। उसके बाद आप कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं उनकी, और फिर पेरेंट्स के बाद फ़ोन करवा रहे हैं, धमकवा रहे हैं कि मतलब लड़की से बात कीजिए, आप इन्हें हटाइए पीछे, ये सब आपको नहीं करना चाहिए जब आप सही हैं बिल्कुल। आपके घर पर भी धमकी दी? हाँ, मेरे पापा को फ़ोन करवाया कि आपसे बात करनी है कोचिंग के हिसाब से, और आप हमारी समाज के हो, डरना मत, हम जो बोल रहे हैं आप वो सब कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, आप सही हैं तो मतलब ये सब क्यों कर रहा है, फ़ोन क्यों करवा रहा है पापा को? ये प्रेशराइज करने का आप काम किया जा रहा है, इन लोगों के ऐसे आरोप हैं। ये इनके पेरेंट्स भी आए हैं साथ में, जो जिन बच्चों को कोचिंग संस्थान में पढ़ना चाहिए, अब वो SSP DM और तमाम अधिकारियों की चौकट पर जाके न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके चरित्र पर भी अब सवाल खड़े किए गए हैं दूसरे पक्ष की तरफ से। ये है माता पिता इन लोगों की, क्या कहना है? क्या हमें यही कहना है कि अगर हम बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आपके पास भेज रहे हैं, हाँ, तो बच्चों को पढ़ाई ही करवानी चाहिए। बच्चों के लिए आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये तो नहीं कि अगर वो पूछे नहीं तो पूछे तो आप उसको वो निकाल ही दो कोचिंग में से और उसके सवालों का जवाब नहीं दो। और अगर पेरेंट्स पूछने जाएँ कि आपने हमारे बच्चों को क्यों निकाला, तो उनसे भी बदतमीजी कर रहे हैं आप कि नहीं बताना, आपके बाप का राज नहीं है यहाँ पर, आपकी नहीं चलेगी, जाओ नहीं बताना है, हम तो निकाल दिया है आपको, कर लो जो करना है। मतलब तो ऐसी धमकी भी नहीं देना चाहिए, आप पढ़ा रहे हो, इंस्टीट्यूट चला रहे हो, बच्चों का भविष्य बनाना है। हम लोग तो यही देखते कि बच्चों को बेहतर कहीं भी एजुकेशन मिले वहाँ पे भेजेंगे, लेकिन अगर ऐसा मिलेगा तो हम लोग कहाँ बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे? वैसे भी लड़कियाँ कहीं जा नहीं सकती, हम लोग हिम्मत करके थोड़ा कर रहे हैं कि चलो हमारे बच्चे पढ़ जाएँ, कुछ बन जाएँ, अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ। तो ये लोग इन बच्चों के भविष्य पर भी मतलब इतना बड़ा सवाल उठा दिया है कि अब बच्चे बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं उन लोगों की तरफ से। एक बड़ी समस्या होती है कि कोई भी माँ बाप हो, यदि अपनी बेटियों को, बालक बेटियों को कोचिंग संस्थान भेज रहा है, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, कई प्रकार की घटनाएं भी सामने, इसके बाद भी भेज रहा है, और हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन जाएं। भेजे हैं, कितनी फीस क्या लगती है उस कोचिंग में, क्या जानकारी है? 5,000 रुपये महीने 50,000 है, लेकिन हम लोग इंस्टॉलमेंट में 5,000 करके दे रहे थे, क्योंकि हम लोग की इतनी नहीं है, तो हमने कहा हम इकट्ठा नहीं दे सकते। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे चीज़ की न्यायिक जांच हो और हम लोगों को न्याय मिले, और जो उनने इंतजार बद किया है, जो गलत इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो या तो उनको सिद्ध करके दिखाएं, या वो अपनी माफ़ी मांगें कि हमसे गलती हो गई, सॉरी बोलें, और हम इससे ज्यादा आगे बात बढ़ानी चाहते, मतलब जो भी है उजागर हो, ये झूठ मूठ का काम नहीं है अपने पास, हकीकत होना चाहिए। ये पूरा मामला सामने आया है, इस पर हम लोग बात की, ये भाई और हैं, क्या कहे सर? ऐसा है कि आप ये बताइए, अगर आप कोचिंग वाले सही लोग हो तो आप ये बच्चों से धमकियां क्यों दिलवा रहे हो? ऐसा तो नहीं बिना प्रूफ के बात कर रहे हो, सब कुछ है हमारे पास, और जे लोग छोटी छोटी वीडियो जो डाल रहे हैं इनसे कहिए, आपके 36 कैमरे लगे हैं कोचिंग में, आपने किस तरह में बंद किया,
किस तरह आपने फ़ोन छोड़ाया, सब कुछ है आपके पास। और हम लोग इनमें से हमारा एक फ़ोन छोड़ाया था, दो फ़ोन और एक्टिव थे, उनमें भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जो छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि मैटर निपट जाए छोटे से फॉर्म में, पर ये क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक्शन लेने जा रहे हैं पुलिस के पास। SHO सर, CEO सर ने मैम को दो बार बुलाया, ये दो बार ही नहीं आई। जी अपने आप को क्या समझ रही, क्या दिखाना चाह रही, सर भी क्या प्रशासन से बड़ी हो रही क्या ये? हम लोग अगर खड़े हैं, हम लोग बार बार कह रहे हैं मैम से बात करनी है, मैम से बात करनी है, मैम बात ही नहीं करना चाह रही, क्या है ये? आप गलती भी कर रहे हो, परेशान भी कर रहे हो, सामने भी नहीं आने की दम है आपकी, ये क्या है? और इनकी एक चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, ये बच्चों को भड़कवा रहे हैं, ये बच्चों को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, ये बच्चों के थ्रू कमेंट करवा रहे हैं, बच्चों से फ़ोन करवा के धमकी दिलवा रहे हैं, ये सब गलत है। बच्चों में वॉर होगी, लड़ाई होगी, कुछ हो जाएगा, कर जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये आप बताइए। ये सवाल है इनका, ये हैं, ये बच्चियाँ हैं, आप एक हफ्ते से देख रहे होंगे कि झांसी में कभी कोई एक हफ्ते से लगातार स्टडी वर्ल्ड कोचिंग का मामला चर्चाओं में है। चर्चाओं का कारण जो आरोप पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है, उनका कहना है कि हमने UPSC SSC की पढ़ाई के लिए फ़ीस जमा की, पहले मैम ने डेमो दिया, लेकिन डेमो के बाद ही स्थिति वहां ख़राब हो गई। जिन चीज़ों का के दावे किए जा रहे थे, जिस हिसाब से पढ़ाई के दावे किए जा रहे थे कि इस हिसाब से इन लोगों को पढ़ाई करवाई जाएगी, उस हिसाब से वैसा वहां कुछ नहीं देखने को मिला है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही लगे। इस खबर से जुड़ी या झांसी की और भी तमाम जो चर्चित खबरें होती हैं उस पर बुंदेली वार्ता की टीम लगातार अपडेट बनाए रखती है। धन्यवाद।